अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल। आज मैं बनाने वाला हूँ मटर पुलाव। सबसे पहले हम चावलों को पानी में भिगो दें। भावलपुर में बहुत सर्दी थी, पानी की जरूरत थी, मैंने इसको पहले पानी में डिप करके धो लिया अच्छे से। और धोने के बाद इन चावलों को जो है ना, अगर आप लोगों पर ओवन हो तो ठीक है, वरना आप गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, इससे चावल भी अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने ओवन को मैंने 2 मिनट की टाइमिंग के ऊपर जो था बॉइल कर लिया था। अब ये गर्म हो चुका है पानी, और ये चावल जो है ना अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे और ये फूलेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम ऑल, आज मैं बनाने वाला हूँ मटर पुलाव। चलो आज मैं आपको बना के दिखाता हूँ मटर पुलाव। ओके, तो ऑयल मैंने गर्म कर लिया, ऑयल में हल्का सा मैंने जीरा डाल के फ्राई कर लिया। ओके, उसके बाद आपने ऑनियन है, ऑनियन लेनी है, ऑनियन को फ्राई करना है। टमाटर काट लेने, बारीक बारीक या मोटे मोटे टमाटर काट लेना। उसके बाद जो आज मैं मटर पुलाव बनाने वाला हूँ, एक्चुअल मटर पुलाव नहीं है, आलू भी है और गोश्त भी है, ठीक है। लहसुन को भूनना, आधा लहसुन इसमें डाल देना। यार मटर जो थे ना, वो ऑलरेडी हमने छील के रखे हुए थे, और देखो ये बर्फ जमी हुई है इनका, तो ये चलो ये भी मेल्ट हो गए हैं। अब मटर डाल दें, चिकन को भी बारीक बारीक काट लिया और उस चिकन को इसमें डाल दिया। अगला नंबर है इन आलूओं का। अब हमने डाल दिए आलू, उसके बाद मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी, नमक, और कुटी हुई लाल मिर्चें। मिल्क पैक की दही, एक बाउल राइस थे तो एक बाउल ये वाला राइस था, और यही एक बाउल पानी का। लुक, अब मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। एंड स्टेप में ये है, और ये है देसी घी, ताकि चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू हो।
मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और गाइस अब इसको मैंने देना है दम, और वो लगाने के लिए इसका ये ढक्कन आया, ये कपड़ा है उसी में होता। अब 15 मिनट बाद इसका दम हटाएंगे और उस पर ये तवा उल्टा करके रख देंगे। 15 मिनट बाद मिलते हैं। ओके, और भी बन चुके हैं, मैं हटा रहा हूँ इसका दम। यार एक हाथ से नहीं हो पा रहा मुझसे मिक्स, तो ये आपको बस ऊपर ऊपर वाले ही दिखा देता हूँ।